नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा अपना हस्तकला, जो कि राजस्थान जीके में से हम ले रहे हैं। 45 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट ले रखे हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को करेंगे। पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कोशिश यही है कि यहाँ से प्रश्न बने। दोस्तों, आपको दो काम करने होंगे। पहला काम, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। उसके बाद में ये मॉक टेस्ट हस्तकला का आप लगा लें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99% अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो यहीं से ही देखने को दोस्तों मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, जिससे हम ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा पाएँ। पहला प्रश्न, नर्मदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है, बताइए। नर्मदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर। कमेंट में आंसर देते रहिए फटाफट जल्दी से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, टोंक के केंद्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की, बताइए। राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की कौन सा शासक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, आमेर का मानसिंह प्रथम, ठीक है। अगला देखिए, काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें थ्योरेटिकली पार्ट आपको समझाया था, तो आपको शायद याद होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखें। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों लाहौर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थेवा कला का केंद्र, बच्चे बच्चे को आना चाहिए दोस्तों, बताइए। थेवा कला का केंद्र नागौर, बशी, पुष्कर, प्रतापगढ़, क्या होगा दोस्तों? इस द करेक्ट आंसर प्रतापगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए। जयपुर गए हो कभी आप? नहीं गए तो जाइए ना, पता लग जाएगा। जयपुर ही इस द करेक्ट आंसर दोस्तों होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अजरक प्रिंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा। अजरक प्रिंट है तो मुख्यतः प्रसिद्ध है, कहाँ का अजरक प्रिंट? झुंझुनू, बाड़मेर, चूरू, सिरोही, बताइए कहाँ का है अजरक प्रिंट? बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, कहाँ पर होता है कठपुतलियों का निर्माण? दोस्तों, जब भी कठपुतलियों की बात आए तो इसके लिए आपको उदयपुर सही करना होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, सीकर, क्या होगा दोस्तों? हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ प्रमुख केंद्र, बताइए दोस्तों। डी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोटे के लिए प्रसिद्ध है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैक पोटे के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बताइए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सवाई माधोपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करने वाले आ गए, सुमेलित करना सही आपको आंसर देना है। तो दोस्तों, कौन सा सही होगा इसमें से ऑप्शन चेक कर लें आप, स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, देखिए, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाए, चेक कर लेना। ये आंसर दोस्तों आपको देना है, क्योंकि यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे और मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि इसका करंट इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक साथ। ऊँट की खाल पर सोना चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्शी कहलाती है, जो बच्चे बच्चों को पता होगा, उस कला दोस्तों ऊँटों पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी मीनाकारी के थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध, बताइए। बाड़मेर, राजसमंद, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, दोस्तों बताइए। अभी किया था ऊपर, प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। मोकड़ी किसकी कहते हैं, मोकड़ी किसे कहते हैं, किस कहते हैं, लिखने में थोड़ी दिक्कत है, मोकड़ी किसे कहते हैं, ऐसा होगा। हाथी दांत की चूड़ियों को, लाख की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या आंसर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो लाख की चूड़ियों को दोस्तों मोकड़ी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में असत्य कथन बताना दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, तो खुद आंसर निकालो और इसका भी कमेंट है, मुझे आंसर देना है।
फिर मैं बताऊंगा आपको कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो फायदा होगा कि थ्योरेटिकली क्वेश्चन है तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बताइए कहाँ होता है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा मरोड़ी कला कहते हैं, यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, सीकर, बताइए दोस्तों। तो वही ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, अगर जयपुर गए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चे बच्चे को पता भी होगा, नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता है। पाव रजाई विश्व की कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। अगर आप जयपुर जाते हैं पेपर वगैरह देने तो आपको पता होगा यहाँ की प्रसिद्ध है पाव रजाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नाथोजी सोने का संबंध किस कला से है? मॉडर्न लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। मीनाकारी, फट चित्रण, चित्रकारी, थेवा कला, बताइए। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, थेवा कला हो जाएगा, नोट कर लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी दांत की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र जयपुर होगा, सबको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लप्पा लप्पा लप्पे, किरण बांगली और चंपा कली किसने किस प्रकार है? चुनरी की। अच्छा, किसने नहीं, किसके प्रकार होता? चुनरी, गोटे, धोती, सोफे, बताइए दोस्तों। लप्पा लप्पी, किरण बांकली और चंपा कली किसका प्रकार है दोस्तों? गोटे का होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो आप सही करेंगे इसका और कमेंट में आंसर दीजिएगा, जयपुर हो जाएगा इसका। ठीक है, राष्ट्र में जाजम छपाई का कार्य होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, कहाँ होता है भैया जाजम छपाई का? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है, तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। गणगौर निर्माण चित्तौड़गढ़ में होता है, लकड़ी के प्रश्न वगैरह। जयपुर रमकड़ा निर्माण उदयपुर, लकड़ी के नकाशीदार मठोट, बीकानेर, उचेकावट, क्या होगा इस द करेक्ट आंसर दोस्तों, बताइए। सही बता, सुमिलित नहीं हुआ तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फिर ये आपको सुमिलित नहीं है। ठीक है, गलत बता रखा है। और बाकी आप चेक करना सर, कोई भी अगर आंसर गलत आपको लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछना मुझसे। आगे बढ़ते हैं। राज्य में रंगाई छपाई और बंधेज का कार्य परंपरागत रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है? चूड़ीगर, कैमखानी, नीलगर, रंगीला, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवहारिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नीलगर के द्वारा रंगाई छपाई, जो रंग चुनरी रंग वगैरह करते ना, वो मार्केट में आपने कभी कराया होगा, बताना कमेंट करके किसी ने कराया है। चलिए, कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ होता है? बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, सांगानेर, बताइए दोस्तों। आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में संगमरमर पर मीनाकारी कार्य कहाँ पर किया जाता है? रास्ता संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य कहाँ पर होता है? मकराना, किशनगढ़, राजसमंद, जयपुर, तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए। मीनाकारी जयपुर, क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है, बताइए? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट में आंसर दीजिए। जोधपुर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर में। चलिए, जोधपुर का प्रसिद्ध बाडला निम्न में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जिसने बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी और टेराकोटा की मूर्तियां, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। जस्ते से बनी पानी की बोतल को बोलते हैं बाडला। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? बालोतरा, सांगानेर, मंडोर, बहरोड, बताइए दोस्तों। तो बालोतरा हो जाएगा दोस्तों। जितना कि लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तुएं को लोक कला में क्या कहा जाता है?
मुकेश राली कालीन दरी। दीजिए आंसर भैया। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो वीडियो और देख लेना मेरा, सारे डाउट आपके दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताना, कितने सही हुए कितने गलत हुए ये भी आपको बताना है। जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उनके आंसर कमेंट में देने हैं, आई विल चेक। चलिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।